गोलीय दर्पण के भाग बता रहे हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको जान लेना अति आवश्यक है। पहला हो गया वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र एक गोला बना रहे हैं। यह गोला हो गया, गोला होगा तो इसका केंद्र भी होगा। अब केंद्र से इसको मिला देते हैं। यह गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु है, केंद्र है, उसी को वक्ता केंद्र कहते हैं। यह बीच में है, गोलीय दर्पण के इसी मध्य भाग को यानी कि केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, यह ध्रुव हो जाएगा। इस लाइन को हम मिटा देते हैं और इसको हम पॉलिश कर देते हैं। तो इधर का भाग मिट गया, या मिट गया भाग, या गोला का ही भाग है और सेंटर को ही केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण इसका परिभाषा लिख रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। कहते हैं वक्ता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। इस सी से सूचित कहते हैं। अवक्ता तिजिया वक्ता तिजिया दर्पण के मध्य जो बिंदु होगा, यह M डैश एक अवतल दर्पण हो गया, तो इसके मध्य वाला भाग जो होता है इस दर्पण के, उसी को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता तिजिया कहते हैं। ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। अब तीसरा हो गया ध्रुव, यह M डैश अवतल दर्पण है। इसके मध्य बिंदु को यानी बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं।
इसे पी से सूचित करते हैं। चौथा प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। या ध्रुव हो गया या वक्ता केंद्र हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहेंगे। यही प्रधान अक्ष हो गया। ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। पांचवा द्वारक, यह दर्पण की जो चौड़ाई होता है यहां से लेके यहां तक, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, या एमएम डैश जो है द्वारक हो गया। चित्र में एमएम डैश द्वारक है। अब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में किरण आरेख के द्वारा बता रहे हैं। किरण आरेख को समझने से पहले अवतल दर्पण में कुछ पॉइंट को समझना जरूरी है। अवतल दर्पण में किसके समानांतर प्रकाश से किरण ले करके जाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसको पहले जान लीजिए। दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण प्रतिबिंब किस तरह बनता है? यह अवतल दर्पण हो गया, यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्ता केंद्र हो गया। जब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के ही गुजरेगी। इसको याद रखे रहिएगा कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो फोकस से होकर के ही गुजरेगी। अगर इधर से भी हम गुजारेंगे प्रकाश किरण तो टकराने के बाद जो है फोकस से होकर के ही गुजरेगी। यह पहला हो गया।
दूसरा स्थिति है जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस होकर के गुजारेंगे। दूसरा स्थिति फोकस हो गया, वक्ता केंद्र हो गया, जब वस्तु को फोकस होकर के जब प्रकाश किरण को फोकस होकर के गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण गुजरेगी। यह तीसरा पॉइंट हो गया, ना दूसरा पॉइंट हो गया, सॉरी तीसरा पॉइंट है जब अवतल दर्पण में यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्ता केंद्र हो गया, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से गुजरेगी, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से गुजरेगी तो यह अवतल दर्पण में टकराने के बाद जो है फिर उसी दिशा में जो है वापस लौट आएगी। अब हम एक आप लोगों को ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर किस तरह बनेगा उसको आप समझ जाइएगा। अगर अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहुंच सके। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में किरण आरेख, किरण आरेख तो इस ट्री को अच्छे से समझिएगा तो आपको जो है किरण आरेख आसानी से समझ में आ पाएगा, आसानी से इसको याद रख पाइएगा, नहीं तो यह किरण आरेख आपको बहुत ही कठिन लगेगा। इसको हम छह भागों में बांटते हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, छह भाग, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। दूसरे भाग पर फोकस को रखना है और चौथे भाग पर वक्ता केंद्र को रखना है। और सातवां भाग दर्पण के पीछे रखेंगे हम। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, और जैसे जैसे हम वस्तु को दाएं तरफ ले जाएंगे वैसे वैसे जो है प्रतिबिंब जो है फोकस से बाएं तरफ बनने लगेगा। हम वस्तु को दाएं तरफ लाएंगे और प्रतिबिंब जो है फोकस से बाएं तरफ जो है बनेगा। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु को जो है अनंत पर रखते हैं, वस्तु जो है अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति, जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना था, अब वस्तु को हम ले जा रहे हैं दाएं तरफ तो प्रतिबिंब वस्तु को ले जा रहे हैं हम दाएं तरफ ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है बाएं तरफ आएगा। अब हम वस्तु को सी और अनंत के बीच ले जाते हैं, या वस्तु हो गया, वस्तु को अनंत पर ले जाते हैं
और वस्तु को जो है सी और अनंत, अनंत का सिंबल इस तरह का सी और अनंत के बीच रखेंगे, यानी वस्तु को यहाँ पर हम रख रहे हैं, वस्तु को यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब पहले जो है यहाँ पर बना हुआ था, अब एक बाएं इधर आएगा, प्रतिबिंब जो है अब यहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। फिर हम वस्तु को यहाँ पर ले जा रहे हैं, वक्ता केंद्र पर लेकर के जा रहे हैं, तो वस्तु को इधर लेकर के जाए, बाएं तरफ एक लाइन खींच के, तो एक लाइन दाएं तरफ अगर खिसक रहे हैं तो बाएं तरफ भी यह प्रतिबिंब इधर आएगा, प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा, यानी दोनों जो है वस्तु और प्रतिबिंब एक ही स्थान पर हो जाएगा। वस्तु को सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनेगा। चौथा, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे, यानी एक इधर ले करके जाएंगे, वस्तु को इधर ले करके हम जा रहे हैं सी और एफ के बीच, यानी यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे, वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर पहले बनता था, तो यहाँ पर खसके का प्रतिबिंब आ जाएगा यहाँ पर, प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, और वक्ता केंद्र, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच बनेगा प्रतिबिंब। अब हम वस्तु को ले जा रहे हैं इधर दाएं तरफ, ले जा रहे हैं वस्तु को एफ पर लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर वस्तु को लेकर के जा रहे हैं, तो वस्तु को यहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो प्रतिबिंब जो है पहले यहाँ पर बना हुआ था, अब इधर आ जाएगा, प्रतिबिंब जो है अब यहाँ पर आ जाएगा। जब वस्तु को एफ पर रखेंगे, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर होगा, तो प्रतिबिंब जो है अब पहले यहाँ पर बना हुआ था, अब यहाँ पर प्रतिबिंब आ जाएगा, अनंत पर आएगा, तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर चला जाएगा, इसको अनंत पढ़ते हैं, अनंत पर चला जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। छठा केस हो गया, जब वस्तु को अब यहाँ पर लाते हैं, यह ध्रुव हो गया दर्पण का,
जब वस्तु को ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं, जब वस्तु को ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण हो गया इसके पीछे बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, सात नंबर पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, तो दर्पण के जब पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। इधर का जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, इधर का प्रतिबिंब जो बाएं तरफ का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है, और पीछे का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा। अगर यह आप लोग ट्रिक आसानी से याद रखेंगे तो आप लोग किरण आरेख को आसानी से समझ सकते हैं, कि अब इसमें कुछ नहीं समझ है, इधर का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, इतना ही आपको थोड़ा याद रखना है। इधर का जो दाएं तरफ का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा या छोटा होगा, बाकी जितना तरीका है ठीक है, यही मेन तरीका है। फिर आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद।